सब तो पहला तो सारियां दा आज दी इस प्रेस वार्ता दे विच स्वागत आ, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑपरेशन लोटस जिदे लई बीजेपी किसे जान पहचान दी मुहताज नहीं, एक पासे बीजेपी और दूजे पासे लोटस, ऑपरेशन लोटस इक्को ही गल आ। देश दे वख-वख हिस्सों दे विच ऑपरेशन लोटस करन दे लई बीजेपी जानी जांदी आ। बहुत सारे सूबियां दे विच इह ऑपरेशन सक्सैसफुल इन्हां दा साबित होया। पहली बार जेकर बीजेपी नूं रोकिया गया, जेकर बीजेपी दे इस ऑपरेशन लोटस नूं तहस नहस किया गया, ऑपरेशन लोटस का रथ रोकया गया, तो वो आम आदमी पार्टी ने रोकया। पहली बार दिल्ली दे विच साडे पार्टी दे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने, अरविंद केजरीवाल जी के जानबाज सिपाहियां ने वो रथ रोकया और यह जिहड़ा ऑपरेशन लोटस थी दिल्ली च फेल होया। और उस तो बाद यही अटैम्प्ट बीजेपी ने पंजाब च कीती और पंजाब विच अरविंद केजरीवाल जी के साथी पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई वाली सरकार दे MLA साहबान नूं तोड़न दा यतन इस ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी ने करन दी कोशिश की। ऑपरेशन लोटस दूजी बार पंजाब के लोगों ने तोड़िया, पंजाबियों ने तोड़िया, आम आदमी पार्टी ने तोड़िया और फेल किया। ऑपरेशन लोटस आम आदमी पार्टी के उत्ते कामयाब नहीं होया, ऑपरेशन लोटस कांग्रेस पार्टी से कामयाब होया। ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के गोवा के लीडर ऑफ आपोजिशन समेत 8 विधायकों तोड़ के खरीद फरोख्त करके बीजेपी शामिल किया। बिल्कुल जदों असीं ऑपरेशन लोटस का खुलासा किया सब तो पहला दिल्ली च और उस तो बाद पंजाब च, उस समय के दौरान ये ऑपरेशन लोटस जिहड़ा वो गोवा च कामयाब होया, गोवा च सक्सैसफुल होया। पर बड़ी हैरानी की गल आ कि पंजाब की कांग्रेस पार्टी दे लीडर साहबान, लीडर ऑफ द आपोजिशन, उन्होंने तमाम लीडर साहबान जो असीं ऑपरेशन लोटस का खुलासा किया तो सारे बीजेपी की हमायत आ गए। पंजाब के कांग्रेस पार्टी के लीडर साहबान ने बीजेपी का समर्थन किया और सानू सबूत मंगते रहे, साढ़े को सबूतों की मांग की, जबकि सबूत नंगा चिट्टा दिन दिहाड़े उन्होंने पार्टी के डाका पिया। जो तो गोवा च उन्होंने पार्टी टुटी, गोवा के 11 चो 8 विधायक चले गए, उन्होंने अखा चो हंजू नहीं आए। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलिया। क्यों नहीं बोलिया? क्योंकि उन्होंने प्रधान सोनिया गांधी के खिलाफ CBI की जांच चल रही है। उन्होंने प्रधान जी राहुल गांधी जी के खिलाफ CBI ED की जांच चल रही है। सो कोई भी नहीं बोलिया, बल्कि सबूत सातों पुछते रहे, जबकि दिन दिहाड़े उन्होंने विधायकों तोड़न का काम शरेआम बीजेपी गोवा च करती रही। एक सेंटेंस तक पंजाब कांग्रेस प्रदेश से उन्होंने लीडर ऑफ आपोजिशन ने इस गल ही नहीं बोलिया कि बीजेपी ने साडे MLA तोड़ले, लोकतंत्र की हत्या की है, डेमोक्रेसी का मर्डर किया गा। इतों पता लगता गा, क्योंकि सारे जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जी ने 5 साल पंजाब में पहला राज किया, बहुत सारे MLA, बहुत सारे सबका वजीर, उन्होंने सबका मुख्यमंत्री वो बीजेपी के बिच ने गे, बहुत सारे वजीर, बहुत सारे सबका MLA, सबका वजीर कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने 4.5 साल 5 साल पंजाब में राज किया, अज वो बीजेपी का हिस्सा ने। अज भी बहुत सारे कांग्रसी उन्होंने अद्धियां तो वध परिवार, उन्होंने परिवारों के मैंबर वो भी बीजेपी का हिस्सा ने गे। इहदा मतलब कि लगातार पंजाब की कांग्रेस पार्टी
बीजेपी नूं बचाउंदी नजर आ रही आ, बीजेपी की प्रोटैक्शन दे विच आ, बीजेपी दे नाल खड़ी आ, बीजेपी की बी टीम वजों काम कर रही आ कांग्रेस पार्टी पंजाब विच। एक पासे देश दे विच लोकतंत्र की डेमोक्रेसी का मर्डर बीजेपी कर रही है और दूजे पासे कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रही है, अकाली दल का समर्थन कर रहा है, क्योंकि इन्हां पार्टियां का पुराना इतिहास रहा गा, इन्हां पार्टियां की हिस्ट्री रही आ कि जो सत्ता च होंदियां ने गियां अकाली दल उधर चल जांदे ने गे, कांग्रेस वाले उधर आ जांदे ने गे, एक दूजे वल आदान प्रदान एक दूजिया पार्टियां दे विच जाण दा इन्हां दा इतिहास रहा गा, चाहे वह कांग्रेस पार्टी आ चाहे अकाली दल हैगा चाहे बीजेपी हैगी। यही गल आ केस खरीदो फरोखत के समय उन्होंने इस खरीदो फरोखत को भन्निया नहीं भंडिया नहीं है, इस दे खिलाफ सेंटेंस नहीं बोलिया है, बल्कि बीजेपी का समर्थन किया गा। मैं अकाली दल नूं मैं कांग्रेस पार्टी नूं पुछना चाहुंदा गा कि तुहाडा विश्वास लोकतंत्र चों खत्म हो गया, कि तुसी लोकतंत्र दे हमायती रही रहे, कि तुसी बीजेपी का हिस्सा बनना चाहते हो, कि तुसी बीजेपी दे स्पोक्सपर्सन हो, कि तुसी देश विचों लोकतंत्र नूं खत्म करना चाहते हो, क्योंकि लगातार कांग्रसी नेतावां दी बयानबाजी लगातार अकाली दल दे बयानबाजी यही रही है। पिछले जे मैं देखा 72 घंटे की गल करिए लगातार उन्होंने प्रोटेक्ट करते रहे ने। चलो कुछ हद तक तो सही आ कि अकाली दल का पुराना नाता रहा गा, वो कहते होंगे सी पुराने समय दे विच कि 9 मास का रिश्ता रहा अकाली दल का जी बीजेपी नाल, लगता वो 9 मास का रिश्ता दोबारा कायम होने जा रहा। देश दे विच किसान का संघर्ष चलिया, किसानी का संघर्ष चलिया, 3 काले कानून आए बीजेपी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने 3 काले कानून बनाए, उदों मजबूरी दे विच अकाली दल ने अपना नाता बीजेपी नाल तोड़िया, पर लेकिन अज दे उन्हां दे नाल जिहड़े उन्हां दे बयान ने उत्थों पता लग रहा कि बड़ी जल्दी यह नाता दोबारा जुड़न वाला गा। कि अकाली दल स्पष्ट करूगा कि पंजाब दे जिन्हां किसानां दे ने शहादत दित्ती, जिन्हां किसानां ने अपनी कुरबानी दित्ती, कि तुसीं उन्हां दी कुरबानी लत मार के दोबारा बीजेपी नाल समझौता करन जा रहे हो, कि तुसीं अपने निजी हितों को प्रोटैक्ट करते हुए बीए विच मर्ज हो रहे हो। ये सारे घटनाक्रम तो लग रहा है कि अज चाहे वह कांग्रेस के लीडर ने पंजाब के चाहे वह अकाली दल के लीडर ने, वो सारे बीजेपी के जान के लिए तरलो मच्छी हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे के खिलाफ इन्हों के सबका लीडर के खिलाफ ईडी के केस चल रहे हैं, बहुत सारे के खिलाफ सीबीआई के केस चल रहे हैं, पर लेकिन अकाली आम आदमी पार्टी आ जिहड़ी डट के बीजेपी का मुकाबला कर रही है, जिहड़ियां बीजेपी दे गलत नीतियां का मुकाबला कर रही है, बीजेपी दे इस लोकतंत्र दे कहण दे खिलाफ जिहड़ी डट के खड़ी आ, क्योंकि देश दे लोकां नूं यकीन आ कि इकलौती आम आदमी पार्टी आ जिहड़ी इस समय विरोधी धिर दा रोल देश निभा रही आ। कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर करता सिर्फ ते सिर्फ अपने परिवारों को बचाने के लिए, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तहस नहस हो चुकी आ, देश विचों खत्म हो चुकी आ। सो अज देश के लोगों को यकीन आ कि जेकर बीजेपी दी गलत नीतियों के खिलाफ बोल रही है तो आम आदमी पार्टी आ। यही कारण है कि अज आम आदमी पार्टी जिहदी उम्र सब तो छोटी आ, आम आदमी पार्टी की उम्र सब तो छोटी आ, उहदा काफिला जेकर अज पूरे देश वध रहा, जेकर अरविंद केजरीवाल जी दी नीतियां दे उत्ते मोहर देश के दे लोग ला रहे हैं, तो लोगों को यकीन है कि देश के दे लोगों की किस्मत बदलने के लिए सिर्फ तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी बाहत देश के दे नेता ने गे। सो मेरा कहने का भाव मैं उन्होंने पूछना चाहता गा, जेडे साथी अच कुछ बीजेपी के मानयोग गवर्नर साहब मिल के आए हैं कि जांच जी सिटिंग जज तो होनी चाहिए, या जो मिलकर आए ने, मैं मंग करदा गा कि सारे घटनाक्रम की जांच जी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज तो होनी चाहिए, और
गोवा नूं शामिल कर लिया जावे, उहदे विच महाराष्ट्र नूं शामिल कर लिया जावे, उहदे विच मध्य प्रदेश नूं शामिल कर लिया जावे, उहदे विच अरुणाचल प्रदेश नूं शामिल कर लिया जावे, उहदे विच उहनां लीडरां नूं शामिल कर लिया जावे जिन्हां दे खिलाफ कदे सीबीआई दी जांच हो रही सी, जिन्हां घोटालिया दे विच सीबीआई उहनां लीडरां दे खिलाफ जांच कर रही सी जिहड़े चाहे आसाम तों ने, गोवा तों ने, मध्य प्रदेश तों ने, पछमी बंगाल तों ने गे, जिन्हां दे खिलाफ कदे सीबीआई जांच कर रही सी, कदे ईडी जांच कर रही सी, उहनां दे खिलाफ जांच बंद करके उन्हां नूं दुध नाल धो के उन्हां दे भगवे कपड़े पा के बीजेपी शामिल कर लिया और वो पाक पवित्र साहब बरी हो गए। सो इत्थों पता लगदा गा, मैं फिर दोबारा एक बार मंग कर दांगा कि सारे घटनाक्रम की जांच जिहड़ी आ ओह मानयोग सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज तों होनी चाहीदी आ। और हुण तक जिहड़ियां बीजेपी के समय दौरान 2014 तों लैके हुण तक जिन्नी भी डिफेक्शन हुई आ, जिन्ना भी चुने हुए नुमाइंदियां नूं तोड़िया गया, वह सारी जांच होनी चाहीदी है कि पैसा ये अरबां खरबां रुपया कित्थों आया, ये भ्रिष्टाचार का पैसा कित्थों आया और किन्ने किन्ने पैसों के विचों जिहड़े विधायक तोड़े गए और लोकतंत्र के इस पवित्र लोकतंत्र जिहड़ा हैगा उहदा कतल किया गया। सो मैं जिहड़ी ये मंग करदा गा, पर लेकिन बड़ा हैरानी की गल है कि अज जिहड़े लोग चाहे वह अकाली दल च ने चाहे कांग्रेस पार्टी ने, मैं उन्होंने भी पूछना चाहना गा कि तुसीं डेमोक्रेसी दे कातलां दे हमदर्द हो, कि तुसीं एलओपी साहब, कि तुसीं जिन्हां लोकां ने डेमोक्रेसी का कतल किया, कि तुसीं उन्हां कातलां दे नाल खड़े हो या तुसीं डेमोक्रेसी नूं बचाउण वालिआं दे नाल खड़े हो। सो मैं फिर असीं कल मानयोग डीजीपी साहब कोल गए सीगे, उन्हां कोल जाके आएंगे और मुकदमा जिहड़ा इस ऑपरेशन लोटस का असी खुलासा किया उस दे तहत दर्ज हो चुकिया और जांच जिहड़ी आ वो जारी आ, और जदों जांच मुकम्मल होगी तो तुहानूं उन्हां सारे नामां का भी खुलासा करांगे जिहड़े जिहड़े उस जांच दे विच आउणगे। पब्लिक कर देंगे, पब्लिक डोमेन च ले आवांगे तो कई सारे दोषी जिहड़े ने वह सबूतों नूं तोड़ मरोड़ करनगे, क्योंकि काफ़ी सारा सबूत जिहड़े ने इलैक्ट्रॉनिक दे जिहड़े नाल संबंधित नेगे। सो इस गल करके ये हजे जिहड़ी आ थोड़े दिन वेट करो, बड़ी जल्दी जदों सबूत जिहड़े हैगे ने असीं दे दित्ते ने, जदों जांच जिहड़ी मुकम्मल हो जाऊगी, जांच मुकम्मल होने तो बाद इहदा खुलासा करांगे। सर सबूत पेश कर चुके हो, मतलब कानून व्यवस्था दा भरोसा नहीं है? देखो देश के लोगों के सामने सच, नंगा चिट्टा सच वो पेश हो चुकिया, किसी सबूत की जरूरत नहीं हैगी। गोवा के उन्होंने ऑपरेशन किया गा, ठीक आ, कांग्रेस पार्टी मजबूरी दे विच चुप आ गई, डर के कारण चुप आ गई, कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर कर लिया, कांग्रेस पार्टी के गोडे टेकते, उन्होंने किसी लीडर का बयान तक नहीं आया कि साढ़े जेडे 11 चो 8 विधायक चले गए असी उहदी निंदा करदे आ, एक शब्द तक नहीं बोलिया। टॉप दी लीडर तो लैके नीचे तक आ जाओ, एक शब्द तक जिहड़ा हैगा उन्होंने नहीं बोलिया। सो बिल्कुल असी जिहड़े सबूत ने समय सिर देवांगे, और मैं स्पष्ट कर दांगा कि बीजेपी कांग्रेस जिहड़ी अज पंजाब विच वो बीजेपी दे बी के बुलारे वजों काम कैसे
देखिए जो जी असी शिकायत आ मानयोग डी जी पी साहब को असी दर्ज कराई सी उहदी एफ आई आर जी हो चुकी आ इन्वेस्टिगेशन जी स्टार्ट हो चुकी आ वह पब्लिक डोमेन दे विच आ लोकां दे विच आ इन्वेस्टिगेशन हो रही आ जो इन्वेस्टिगेशन हो रही होंदी आ इन्वेस्टिगेशन नूं इन्वेस्टिगेशन इस गल नाल प्रभावित होजूगी जेकर असी किसी के नाम का खुलासा एट दिस स्टेज करा सो सू वेट करनी चाहिए ताही तो दस रहे हैं मजीठिया साहब तो आप अज बतौर स्पोक्समैन ऑफ बीजेपी लिए काम कर रहे हैं गे उन्हों की समुची पार्टी अकाली दल बीजेपी के बचाव उतरी हुई है।